आपकी डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई पूरी की जाएगी। जैसे डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई पूरी हो जाएगी, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। जब आप मेडिकल में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। एडमिट कार्ड इशू होने के बाद आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद आपको जो भी स्टूडेंट इसमें अच्छे मार्क्स और मेरिट में आता है उसको कॉल लेटर दिया जाएगा। कॉल लेटर के बाद आपको एआर अमेठी द्वारा डिस्पैच किया जाएगा। आपकी सिलेक्शन जिस भी रेजिमेंट सेक्टर में होती है उधर आपको भेज दिया जाएगा। अभी कुछ मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या आने देने वाली बातें, सबसे पहले आपको लॉग इन ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic में लॉग इन करना है। उसके बाद एमएटी स्टेटस को चेक करना है, जिसमें आपने अपना डिस्ट्रिक्ट हाइट और एजुकेशन को